हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए मैथ का वर्क स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1.9, इसके बारे में कल आपने क्या सीखा था? 1 to 50 तक रोमन नंबर्स आपको लिखने के लिए दिए गए थे। आ गए आपको समझ में? रोमन नंबर समझ में आए? इजी है या टफ है? कुछ को इजी लगे होंगे, कुछ को टफ। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.9 करेंगे, जो कल आपने सीखा था उसी से बेस्ड है ये। राइट द रोमन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे कुछ इंडियन नंबर्स दिए गए, इंडियन काउंटिंग, इनको हमें रोमन नंबर्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में। सॉरी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। सेकंड हम लिखेंगे एक्सरसाइज 1.9, देन वी राइट सम फर्स्ट, और फिर ये पूरी हेडिंग हम नोट करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरी नोट नहीं की है, लेकिन आप लोग ये पूरी हेडिंग नोट करोगे। उसके बाद देखिए 27, हमें रोमन नंबर्स में 27 लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 7। 20 कैसे बनता है? 10 + 10 से 20 बनता है ना, और 10 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है, एक्स, और प्लस एक और एक्स। 7 कैसे लिखा जाता है? वी इज स्टैंड फॉर 5, एंड 7 बनाने के लिए 7, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 7। तो एक चीज याद रखिए, एक्स एक्स किसके लिए है, 10 के लिए। तो हमें 20 लिखना है तो डबल एक्स, और अगर 30 लिखना है तो ट्रिपल एक्स। ओके, तो हम 27 को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स वी एन डबल 1। 15, 10 को हमने कैसे फाइंड लिखा था, एक्स 10 x, एंड 5 इज इक्वल वी। तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वी। 29 के लिए, 20 के लिए अभी हमने बताया था ना, 10 + 10। हाँ जी, 29, 20 को हमने कैसे डिफाइन किया था, 10 + 10, x + x, और 9 के लिए 10 में से 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि 10 से x से पहले 1 को लगा दिया जाता है, तो डबल x आई x, इट्स 29। एंड 35, x + x + x, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10, 3 बार x, एंड 5 के लिए v। 19, 10 के लिए x, और 9 के लिए 10 - 1। नाउ नेक्स्ट सम इज, हेयर इज सम रोमन नंबर्स, वी हैव टू कन्वर्ट इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। हमें इंडियन काउंटिंग में लिखना है इन्हें। एक्स 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 यानी के 30, 10 10 10, 30, और वी माइनस 1, 5 - 1, 4, 34, डबल एक्स 25, ट्रिपल एक्स 30, ट्रिपल एक्स 30, एंड वी 5, एंड 6 7 8, 38, ट्रिपल एक्स 30, एंड एक्स माइनस 1 यानी कि 10 - 1, 9, 39। इज इट क्लियर फॉर यू? हाँ जी। ओ, आवाज कैसे आएगी? चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो।
माय सिस्टर्स डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हमें सिर्फ डेट बतानी है, जो भी डेट है। मान लीजिए आपकी डेट है सिस्टर की 29, तो हम यहाँ पे ये वाला 29 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन और एक्स, ये हो गया 29। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको अपने सिस्टर की अपनी सिस्टर की बर्थ डेट लिखनी है यहाँ पे। यू शुड राइट हेयर योर सिस्टर्स बर्थ डेट। सी इज डैश ईयर्स ओल्ड, जितने ईयर्स की वो है, जितनी बड़ी वो है, उतने ईयर्स को आप रोमन नंबर में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। द नंबर ऑफ हर बर्थ मंथ, वो जिस भी मंथ में बर्थ हुआ है वो लिखेंगे, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में। सी स्टडीज इन क्लास डैश, वो जिस भी क्लास में पढ़ती हैं, अगर बड़ी हैं तो आपसे बड़ी हैं तो थर्ड से ज़्यादा क्लास में होंगी, और छोटी हैं तो सेकंड या फर्स्ट में। डैश पीपल लिव इन माय हाउस, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं उनको भी रोमन नंबर्स में लिखना है। देयर आर डैश चिल्ड्रन इन माय क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं वो लिखना है यहाँ पे आपको। आई हैव डैश फिंगर्स ऑन बोथ माई हैंड्स, आपके दोनों हाथों में कितनी फिंगर्स हैं, 10 है ना, तो 10 को आप कैसे लिखोगे,